बड़ी खबर आ रही है इस वक्त यूक्रेन के पोल्तोवा में रूस का हमला हुआ है। यूक्रेनी बेस पर रूस का इस्कंदर हमला हुआ है। रूस के हमले में यूक्रेन का S-300 तबाह हो गया है। यूरोप में तबाही का सबसे विध्वंसक दौर कभी भी शुरू हो सकता है क्योंकि यूक्रेन को अमेरिका का विध्वंसक हथियार मिल गया है। दावा किया जा रहा है कि F-16 फाइटर जेट की पहली खेप मिलने से ज़ेलेंस्की का जोश हाई है। अब रूस के उन तमाम ठिकानों को निशाना बनाने की तैयारी है जो सेना से जुड़े हैं, यानी यूक्रेन रूस के सैन्य ठिकानों पर हमला करके उसे बैकफुट पर लाना चाहता है। लेकिन यह इतना आसान नहीं है क्योंकि रूस ने F-16 का मुकाबला करने के लिए एयरक्राफ्ट फाइटर क्राफ्ट Sukhoi-34 को तैनात किया हुआ है। यानी अब आसमान में अमेरिकी और रूसी एयरक्राफ्ट के बीच घमासान युद्ध होने वाला है जो तय कर देगा कि यूक्रेन जंग में वापसी करता है या फिर उसका वजूद ही मिट जाता है। अगले 48 घंटों में तय हो जाएगा कि यूक्रेन परास्त होगा या फिर और ज्यादा घातक होकर रूस को दहलाएगा। क्योंकि यूक्रेन को वो खतरनाक हथियार मिल चुका है जिसके आने के बाद रूस में तबाही का जलजला आ सकता है। यूक्रेन F-16 से रूसी एयरबेस दहला देगा। यूक्रेन F-16 से मिसाइल फील्ड उड़ा देगा। यूक्रेन F-16 से न्यूक्लियर लैब तबाह कर देगा। यूक्रेन F-16 से कमांड सेंटर खाक कर देगा। यूक्रेन F-16 से क्रेमलिन पर भी हमला कर सकता है। और इन सबसे आगे जाकर क्रीमिया में तबाही मचा देगा। यानी ज़ेलेंस्की अभी तक जो मंसूबा पाले हुए हैं वो पूरा हो सकता है। अमेरिका में नेटो की मीटिंग शुरू होने जा रही है। दो दिन तक चलने वाली इस मीटिंग से पहले ही F-16 यूक्रेन पहुंचने की खबर है। नेटो मीटिंग का एजेंडा यूक्रेन की सैन्य मदद रहने वाला है, साथ ही रूस की दुनिया भर में मिसाइल तैनाती पर भी चर्चा हो सकती है। इस बात की पूरी आशंका है कि नेटो मीटिंग से पहले F-16 यूक्रेन पहुंचाकर अमेरिका ने अपने तेवर जता दिए हैं कि वो कभी भी फ्रंट फुट पर आकर युद्ध में कूद सकता है। जबकि अमेरिकी कमांडर यूक्रेन पहुंचकर वॉर ऑपरेशन को संभाल रहे हैं। इस बीच रूस ने चेतावनी जारी कर दी है कि अगर F-16 ने यूक्रेन की धरती से उड़ान भरी तो वो यूक्रेन के एयरबेस को उड़ा देगा। साथ ही अगर F-16 की तैनाती किसी भी नेटो देश में की गई और वहां से रूस पर हमले हुए तो रूस नेटो से युद्ध का ऐलान कर देगा। यानी रूस सुरक्षा के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। रूस ने अभी 3 एयरबेस टारगेट पर लिए हैं जिनके नाम सुन लीजिए। मिराहोरोद, पोल्तावा, क्रिवीरी। ये तीनों एयरबेस 100 किलोमीटर की दूरी पर पड़ते हैं और रूस के पास हैं। ऐसे में रूस इन्हें तबाह करके ये बता देना चाहता है कि वो F-16 की उड़ान भरने से पहले ही इन्हें तबाह करने का दम रखता है। F-16 पर उसके मैग और SU भारी पड़ेंगे।
पेंटागन से मिली जानकारी के मुताबिक एक साल से अमेरिका में F-16 की ट्रेनिंग ले रहे यूक्रेनी पायलट अब तैयार हो चुके हैं। एक हफ्ते के अंदर उन्हें बड़े ऑपरेशन पर भेजा जा सकता है। यानी पेंटागन ने इशारों में बता दिया है कि यूक्रेनी पायलट F-16 से रूस पर हमले कर सकते हैं। यानी अब यूक्रेन रूस की एयरबेस का दहन शुरू कर सकता है, जिससे रूस अपने फाइटर जेट को मुकाबले में शामिल न कर पाए। हालांकि नेटो ने साफ कर दिया है कि वो ब्लैक सी और बाल्टिक सी में रूस के प्रभुत्व को खत्म करने के लिए F-16 नेटो देशों में भेज रहा है, जबकि यूक्रेन नेटो देश नहीं है। कहीं इसका मतलब ये तो नहीं कि अमेरिका युद्ध की तैयारी कर रहा है? यूक्रेन के टारगेट पर रूस के 8 में ठिकाने हैं, जिसमें पहला टारगेट कीव से 646 किलोमीटर दूर कोजेल्स्क न्यूक्लियर मिसाइल बेस है। इसके बाद दूसरा टारगेट 1200 किलोमीटर दूर है, जो तातिश्चेवो न्यूक्लियर मिसाइल फील्ड है। टारगेट 3 पर उजहुर न्यूक्लियर मिसाइल साइलो का नाम आ रहा है, जो यूक्रेन से 1400 किलोमीटर की दूरी पर है। और टारगेट 4 पर दोमबार वोस्की न्यूक्लियर मिसाइल लॉन्चिंग साइट है, जो आर्कटिक के पास है और कीव से दूरी इसके करीब 2400 किलोमीटर बताई जाती है। इसके अलावा टारगेट 5 पर है 2000 किलोमीटर दूर कातले न्यूक्लियर मिसाइल साइट। टारगेट 6 पर है 2700 किलोमीटर दूर एलेस्क न्यूक्लियर मिसाइल बेस, जिसे यूक्रेन अमेरिकी F-16 से तबाह करने की कोशिश में है। अगर यूक्रेन ने रूस में घुसकर F-16 से हमले कर दिए तो हालात कोल्ड वॉर से भी ज्यादा भयानक हो सकते हैं। क्योंकि यूक्रेन के टारगेट पर न्यूक्लियर मिसाइल साइट है। अगर एक भी साइट पर हमला हुआ तो एटमी जलजला आ जाएगा। और ये सीधे तौर पर तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत होगी। हालात कितने बिगड़ सकते हैं, इसका इशारा रूस दौरे पर गए हंगरी के प्रधानमंत्री विक्टर ऑर्बन ने दिया है। उन्होंने कहा, रूस और यूक्रेन में इन हालात में शांति मुश्किल है, अभी युद्ध विराम की बात दूर दिखती है। इसके बाद नेटो चीफ ने भी कह दिया कि यूक्रेन अगले 10 साल में नेटो सदस्य बन सकता है। यानी नेटो भी सीधे युद्ध से बच रहा है, इसलिए यूक्रेन को आगे किया जा रहा है। अमेरिका ने F-16 देकर रूस के गुस्से को बढ़ा दिया है। धमकी के बाद जेलेंस्की ने अमेरिका से चिंता जाहिर की है, किसी भी तरह से उन एयरबेस को बचाया जाए जहां F-16 की तैनाती होगी। F-16 की सुरक्षा के लिए जर्मनी ने पेट्रियट डिफेंस सिस्टम यूक्रेन भेज दिया है। इसके अलावा एयरबेस पर डिफेंस शील्ड तैयार की जा रही है, क्योंकि रूस मिग और सुखोई को हमले के लिए लगा सकता है, F-16 को तबाह करने के लिए SU-34 को मिशन पर भेज सकता है। ऐसे में मुकाबले में कौन बाजी मारेगा, दोनों की खासियत से समझा जा सकता है। जहां F-16 की कॉम्बैट रेंज 550 किलोमीटर है, वहीं SU-34 की कॉम्बैट रेंज 1100 किलोमीटर, जबकि F-16 की फाइटिंग रेंज 4220 किलोमीटर है, जबकि SU-34 की रेंज 4000 किलोमीटर। F-16 की स्पीड 2410 किलोमीटर प्रति घंटे है, वहीं SU-34 की स्पीड 2200 किलोमीटर प्रति घंटे है। F-16 की रडार रेंज 150 किलोमीटर है, जबकि SU-34 की रडार रेंज 90 किलोमीटर है। F-16 की फ्लाइट हाइट क्षमता 18 किलोमीटर, जबकि SU-34 आसमान में 17 किलोमीटर ऊपर तक उड़ान भर सकता है।
यानी दोनों की खासियत ऐसी है कि दोनों एक दूसरे पर भारी पड़ सकते हैं। बाकी ऑपरेशन और पायलट की काबिलियत पर काफी कुछ निर्भर करेगा, जिसके लिए यूक्रेन ने अपने पायलट अमेरिका, डेनमार्क और जर्मनी में ट्रेनिंग के लिए भेजे हैं, जो जल्द ही ट्रेनिंग जोन से लौटकर रूस के SU-34 को तबाह करने के लिए F-16 को वॉर जोन में लेकर आ सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।